पहला केस जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तब क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल एक्सिस है। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्वियस है दिखाई नहीं देगा, और इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज कैसी होगी, सीधी, और जो सीधी होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं कहाँ, फोकस पर। तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें इसके, नेचर, साइज और पोजीशन। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज, पॉइंट साइज, या आप में से किसी ने ये लिखा था, पोजीशन एट फोकस। यहां तक बात समझ में आ रही है, जिनसे नहीं हुआ नोट कर लीजिए, समझ गए, शाबाश। दूसरा केस, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F है, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं कहते, यहां 2F कहते हैं। ये फोकस F और ये 2F, यहां कहीं रखा है हमारा ऑब्जेक्ट, एक लाइट रे सीधी जाएगी, जो सीधी जाएगी वो फोकस से निकल जाएगी, और दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देंगे, ठीक है, या फोकस से भी करा सकते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से भी करा सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ये इमेज है ए डैश, जरूरी नहीं आप फोकस से ही पास करें, ऑप्टिकल सेंटर से भी हम पास करा सकते हैं लाइट रे, इस तरह से दोनों भी बना सकते हो आप, दोनों में से कोई एक भी बना सकते हो, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इमेज जो बनी अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड है, साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, उसमें लग रहा होगा आपको लार्जर, लेकिन स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगा। पोजीशन की बात करें, बिटवीन F एंड 2F, नोट कर लीजिए। हाँ भाई आ गया, बनवाऊं तो बना देगा अगले सीएम को।
हाँ पक्की बात, बोर्ड में बुला के बनवा लूँ एक। हो गया, अब कर दें। When the object is at 2s. Yeah. ये 2F यहाँ ऑब्जेक्ट है, एक लाइट है सीधी वो फोकस से निकल जाएगी और दूसरी फोकस से। ये फोकस और ये 2F, ये ऑब्जेक्ट ए बी, ये इमेज ए डैश बी डैश, ठीक है। जो सीधी गई वो फोकस से पास ही, जो फोकस से गई वो सीधी हो गई। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो रियल एंड इन्वर्टेड है, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन एट ऑन अदर साइड ऑफ लेंस। यहां तक बात समझ में आई, नोट कर लीजिए। हो गया भाई, एफ और टू एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे, ये प्रिंसिपल एक्सेस, ये ऑप्टिकल एक्सेस, ये एफ, ये टू एफ, एक लाइट सीधी गई, जो सीधी जा रही है वो फोकस से पास हो जाएगी, और एक चाहे तो आप फोकस से पास करिए चाहे आप ऑप्टिकल सेंटर से भी कर सकते हैं। ये फोकस है, यहाँ 2F होगा, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ये इमेज होगी ए डैश बी डैश, ठीक है। ये सॉरी यहाँ होगा 2F है ना, यहाँ कहीं होगा, तो ये बनेगी बियॉन्ड 2F। ये भी रियल एंड इन्वर्टेड है, साइज इस बार थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। पोजीशन बियॉन्ड 2F, अदम्य विश्वास शर्मा, समझ में आ रहा है, कर लोगे? तो
पांचवा केस देखते हैं, ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा, एक लाइट सीधी दूसरी फोकस से गई, एक ऑप्टिकल सेंटर से, ये दोनों पैरेलल हो गए। पैरेलल कभी नहीं मिलेंगी, और जो कभी नहीं मिलेंगी वो कहां मिलेंगी? हाँ, मेजर रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा साइज मैग्नीफाइड पोजीशन ये ध्यान से देख लीजिए, अभी बनवाऊंगा आप लोगों से मैं। आ गया भाई, अब आ गया। लास्ट केस, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ये ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ कहीं फोकस, यहाँ रखा है ऑब्जेक्ट, एक लाइट रे सीधी वो फोकस से गई और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, ये डाइवर्ज हो गई, और जो डाइवर्ज हो गई वो तो इन्फिनिटी पर भी नहीं मिलेंगी, इसलिए इनको एक्सटेंड करके पीछे की तरफ प्रोड्यूस करा जाएगा, यहाँ इमेज बनेगी। ये ऑब्जेक्ट है ए बी, यहाँ इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। इस केस में 6 में से ये अकेला ऐसा केस है जहां रियल इमेज नहीं बनेगी बल्कि वर्चुअल बनेगी, और वर्चुअल है साथ में इरेक्ट भी है। तो नेचर कैसा हुआ? वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज एनलार्ज या मैग्नीफाइड कुछ भी कह सकते हैं, पोजीशन ये हो जाएगा बियॉन्ड एफ ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस। हो गया बेटा मुदस्सिर, हो गया? ये कॉन्वेक्स लेंस के, कॉन्वेक्स लेंस के लिए इमेज फॉर्मेशन हो गया 6 केसेस, 6 में से 5 बार इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, और एक बार वर्चुअल है। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सा लेंस हमेशा रियल इमेज बनाता है, तो ऐसा कोई नहीं होता, लेकिन 6 में से 5 बार ये रियल बना रहा है, इसलिए कहां जाए?